आज आप लोग का 12th का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट। आप लोग लिमिट को अच्छा जानते, कोई भी काम करते हैं तो उसको लिमिट में ही करना चाहिए। उसी तरह ये लिमिट है, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, लिमिट का यूज करना है आपको। जैसे फंक्शन आप लोग नॉर्मली जान चुके हैं, पहले देख लीजिए फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू दे चुका है। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x ही दे दिया आपको, बोलेगा आप 3 निकालना। आप क्या कीजिएगा, 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 कर सकते हैं। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 21। यही आपको लिमिट में लगाना है। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है, 3 दिया हुआ है। फंक्शन आपका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x। आप फिर भी काम वही करेंगे, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे आगे, लिमिट। यहाँ फंक्शन लगता था, यहाँ क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, तो आपका आंसर फिर भी वही आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 ही रखना है, यहाँ भी 3 ही रखना है, तो यही आपका लिमिट है। अब देखिए लिमिट कितने प्रकार का होता है। लिमिट आपका 3 पर, जैसे ये नंबर लाइन है, बीच में क्या होता है, 0 होता है, इधर आपका पॉजिटिव होता है, इधर आपका निगेटिव होता है। पॉजिटिव किधर होता है, राइट हैंड की तरफ, आर एच एच लेते हैं, एल एच एस लेते हैं साइड दिखाने में, लेकिन यहाँ लिमिट है तो साइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, आर एच एल एच एल एच एल। अब बीच में आपका क्या होता है, ऑनली लिमिट होता है। अब इसको डिफाइंड कैसे करेंगे उसको देखिए। यदि यहाँ से आप देखिए, यहाँ थोड़ा दूर पहले लेते हैं, थोड़ा दूर बाद लेते हैं, यदि तीनों पर मान बराबर है तो वही आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है, मतलब आप सतत हैं। जैसे आप कहीं मानिए जा रहे हैं, यहाँ ए स्टेशन है, यहाँ बीच में एक बी है, यहाँ आपका सी है। गाड़ी ए से बी पर आई, रुकी, फिर बी से सी पर गई। आप हो सकता है गाड़ी में बैठे रहे हैं तो आपसे लगातार हैं, गाड़ी में यदि बैठे हुए तो आप लगातार हैं। यदि यहाँ से आप गाड़ी जैसे रुकी यहाँ, उसके बाद यहाँ से उतर के आप कोई सामान वामान लेने के लिए गए, उसी बीच में आपका सीट पर कोई बैठ गया, आपका कोई सामान वहाँ से उठा लिया, तो आप वहाँ क्या हैं, डिसकंटिन्यूस हैं, असंतत हैं। यदि आप लगातार रहते तो आपका सामान चोरी नहीं होता या आपकी सीट पर कोई दूसरा नहीं बैठता। यही यदि आप लगातार हैं तो क्या होगा, संतत होगा, नहीं है लगातार तब डिसकंटिन्यूस होगा, वह संतत होगा। फंक्शन में भी इसी तरह करते हैं, थोड़ा दूर पहले लेते हैं और थोड़ा दूर बाद लेते हैं। जैसे समुद्र आपका, जैसे मानिए ये क्या है, समुद्र है, इसमें से समुद्र में से एक उल्टा पानी निकाले या नदी में से ही एक बाल्टी कुछ पानी निकाल लें तो क्या होगा, उसका पानी घट सकता है, नहीं। उस तरह लिमिट में से हम क्या करते हैं, एल एच एल और आर एच एल दिखाने के लिए, जैसे आपको 3 पर दिया हुआ है, 3 − 0 करेंगे और 3 + 0 करेंगे, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन यूज क्या करेंगे आप, हमेशा 3 ही यूज करेंगे। क्या करेंगे यूज, 3 ही यूज करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, इसका कुछ प्रोसेस है वो बताते चलेंगे, फिलहाल देखते चलिए क्वेश्चन पहले इतना तक। देखिए यदि ये आपका क्वेश्चन है, पहला काम तो देखेंगे, यदि हट रहा है तो कुछ हटा देंगे, गुणनखंड करके कट रहा है तो काटेंगे, तो एफ एक्स इसका गुणनखंड निकले तो ऊपर क्या है, ए स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई एक्स प्लस 5। को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप 12th में आ चुके हैं, इतना नॉर्मल फार्मूला तो याद रखिए, एक्स माइनस 5 * एक्स प्लस 5 बाई क्या, एक्स प्लस 5। आपका ये दोनों कट चुका है, आपका एफ एक्स क्या बचा हुआ है, एक्स माइनस 5। अब मानिए इसको चेक करने बोलेगा संतत है या नहीं है, एक्स टेंस टू ए पर ही बोलेगा, तो आप क्या लगाएंगे, पहले एल एच एल लेंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स डैश टू एल एच एल में क्या करते हैं, ए में से क्या माइनस करते हैं, 0 माइनस करेंगे, एल एच एल क्या है, लेफ्ट साइड है माइनस की तरफ, एफ एक्स आपका क्या होगा, लिमिट एक्स डैश टू ए में से 0 माइनस करेंगे तो यही होगा, सिर्फ डायरेक्शन माइनस आप लगा सकते हैं, एफ एक्स क्या होगा आपका, एक्स माइनस 5। तो आंसर आपका क्या हो चुका है, ए माइनस 5 हो चुका है। ऐसा नहीं कि ये माइनस लगाएंगे, ये डायरेक्शन है, एक्स की जगह पर यूज आप मेन पॉइंट ही करेंगे। अब आपका क्या है, सेकेंड आर एच एल लेते हैं, लिमिट एक्स डैश टू ए प्लस लेंगे या ए प्लस 0 लेंगे, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्या होगा, लिमिट एक्स डैश टू ए प्लस एफ एक्स का मान क्या है, एक्स माइनस
फाइव पी, इसको माइनस प्लस नहीं करना है, ध्यान देना क्वेश्चन जो है एफ एक्स वही यूज करेंगे। आपका क्या हो जाएगा ए माइनस फाइव, तीसरा क्या लेते हैं ओनली लिमिट लेंगे और वो कहाँ लेंगे एक्स डैश टू सेंटर में, तो ए पर एफ एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा लिमिट एक्स डैश टू ए एफ एक्स का मान क्या है एक्स माइनस फाइव है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा ए माइनस फाइव। अब देखिए संतत होने के लिए आपका कंडीशन क्या होता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या एफ ए होना चाहिए, मतलब लिमिट भी होना चाहिए बराबर। देखिए इसका भी मान है ए माइनस फाइव, इसका भी मान ए माइनस फाइव, इसका भी मान है ए माइनस फाइव, तो नीचे क्या लिख देंगे देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। यदि यही बराबर नहीं आता तो इसको हम क्या लिखते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, या हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आता है एफ एक्स एक सतत फलन है या असतत फलन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसका कुछ थ्योरम है प्रॉपर्टीज है उसको देखते चलिए। अब ध्यान से देखिए फंक्शन लेते कैसे हैं, यदि आपको दे दिया देखिए जीरो से बड़ा क्या होता है आपका वन होगा, इधर क्या होगा माइनस वन, मतलब कुछ घटा रहे हैं तो किधर जाते हैं लेफ्ट साइड में जाते हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं तो राइट साइड में जाएंगे। अब यदि आपको फंक्शन दे दिया मानिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे देगा, इफ बोलेगा एक्स ऐसा है, फाइव दे दिया इफ एक्स ऐसा है। आपको ध्यान क्या रखना, ये आपका क्वेश्चन रहेगा तो आपको पहला तो क्या काम करना एल एच एल लेना है, दिखाना किस पर देखिए पॉइंट कौन दिखा रहा है, ध्यान से देख लेंगे तीनों पॉइंट जिस पर हो एल एच एल भी लेने लायक हो आर एच एल भी लेने लायक हो और लिमिट भी लेने लायक हो उसी फंक्शन पर चेक करेंगे, अन्यथा तीनों पॉइंट जिसमें नहीं उसको छोड़ देंगे। एल एच एल है ये, एल एच एल में क्या लेते हैं पहले फंक्शन को लिखने के लिए सीखिए, एक्स डैश टू वन पर है तो वन माइनस जीरो लिखिए या नहीं लिखिए एफ एक्स बराबर क्या होगा आपका लिमिट एक्स डैश टू वन माइनस एफ एक्स का मान है क्या वन माइनस, मतलब वन से छोटा है, वन से छोटा पर कहाँ एक्स यहाँ है ना, यहाँ है तो एक्स यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है एक्स, आपका फंक्शन भी क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप क्या लीजिए आर एच एल लीजिए लिमिट एक्स डैश टू वन प्लस जीरो एफ एक्स बराबर क्या होगा लिमिट एक्स डैश टू वन प्लस एफ एक्स का मान आपका वन प्लस, मतलब वन से बड़ा ये है ना, ये डायरेक्शन पहचानने के लिए ये जिधर घुमा हुआ हो ये खुला हुआ बड़ा होता है, तो वन से बड़ा एक्स यहाँ है तो क्या होगा फाइव हो जाएगा आपका, ये फाइव यहीं आपको क्या दिख गया एल एच एल इक्वल टू नोट आर एच एल, यदि यहीं दिख जाए तो क्या लिख देंगे यहीं देन एफ एक्स इज डिस कंटिन्यूअस, यदि ये बराबर आ जाता ये दोनों तब क्या निकालते फिर लिमिट निकालते, यदि वहाँ भी बराबर आता तब कंटिन्यूअस होता, नहीं आता तब डिसकंटिन्यूअस हो जाता। आपको चेक करने बोलेगा तो बस यहीं एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ ए होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए, यदि बराबर नहीं हुआ तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखते हैं मॉडलस मॉड होगा या बड़ी ब्रैकेट होगा इसमें, यदि आप एल एच एल में जा रहे हैं मतलब छोटा में जा रहे हैं तो क्या लेना है एल एच एल में मॉड को माइनस लेना है, क्या लेना है माइनस, आर एच एल में प्लस एक्स और ओनली लिमिट में भी क्या लेना है एक्स ही लेना है, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। एल एच एल में एक्स मॉड में है तो उसका मान क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा, वही यदि क्या हो बड़ी ब्रैकेट में हो क्या हो, इसको दिखाने के लिए आप सिर्फ नेगेटिव का भी यूज कर सकते हैं, या एल एच एल जब ले रहे हैं तो कुछ घटा रहे हैं हम तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको भी माइनस में ही लिख चलिए, सेम चीज़ यूज कीजिए दिखाने में कोई अंतर नहीं आएगा, या एक्स माइनस वन भी लिख सकते हैं। आर एच एल में इसको क्या लिखेंगे आर एच एल सबका समान होता है एक्स ही होगा और लिमिट भी
एक्स ही होगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। ऐसा सवाल है उसको बना क्लियर कर देते हैं। मानिए आपको यही क्वेश्चन दिया है कि इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, मॉड का भी यूज हो गया और डबल फंक्शन भी है। फर्स्ट काम आपका क्या है यहाँ ढूंढना, किस किस फंक्शन पर हम तीनों पॉइंट दिया हुआ है। देखिए लेस देन इक्वल टू यहाँ है, ग्रेटर देन यहाँ मतलब माइनस थ्री पर हम निकाल सकते हैं। पहले निकाल लीजिए एक्स डैश टू माइनस थ्री पर, एल एच एल निकालिए तो यूज क्या करेंगे, लिमिट एक्स डैश टू माइनस थ्री माइनस एफ एक्स, माइनस थ्री से छोटा पर को ना, देखिए यहाँ ये है तो यहाँ ये है तो यूज कीजिए क्या, लिमिट एक्स डैश टू माइनस थ्री माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री। तो आप एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस थ्री तो यूज होगा ही, लेकिन एक्स को पहले क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स डैश टू माइनस थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स इक्वल टू है माइनस थ्री, लिमिट क्या यूज होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री होगा। आप एक्स की जगह पर क्या रखना, माइनस थ्री, तो माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिक्स हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे आप, आर एच एल लिमिट एक्स डैश टू माइनस थ्री, ये यहाँ क्या लेंगे, साइन प्लस लेंगे, आपका हो क्या जाएगा तब, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स डैश टू माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री से बराबर ये है, देखिए माइनस थ्री से बड़ा हो रहा है, कुछ जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, बड़ा होगा क्या, आपका माइनस टू एक्स है, तो मान रखिए माइनस टू इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपका बराबर है तो आप लिमिट भी निकाल लीजिए, लिमिट एक्स डैश टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एफ एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स डैश टू माइनस थ्री, एफ एक्स का मान आपका है क्या, मॉड एक्स प्लस थ्री, तो मॉड में है लिमिट पर है तो क्या होगा, एक्स डैश टू माइनस थ्री आपका है मॉड एक्स प्लस थ्री, मॉड में रखेंगे निगेटिव भी तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो थ्री प्लस थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा आपका मान। तो ये ध्यान रखना तीनों बराबर आ चुका है आपका, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ माइनस थ्री, तो क्या लिख देंगे, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स डैश टू माइनस थ्री। अब आपको इसी क्वेश्चन में किस पर ढूंढना है, थ्री पर ढूंढना है। देखिए एक पॉइंट यहाँ है, डबल पॉइंट यहाँ है, तो मतलब संभव है निकाल सकते हैं। ऐसे नॉर्मली आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस थ्री पर लेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस सिक्स आएगा, और इस थ्री पर लेंगे तो क्या आएगा, सिक्स ट्वेंटी आ जाएगा। दिख रहा है क्या, बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट असंतत लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज जैसे बताए हैं सेम टू सेम प्रोसेस से निकलना है बारी बारी से। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्वेश्चन है, देखिए नाइन नंबर है 5.1। इसमें क्या देखना है, दो एक सिंगल पॉइंट यहाँ है, डबल पॉइंट यहाँ, थ्री पॉइंट है तो निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या लेना है, एल एल एच एल लेना है, लिमिट लगाइए, लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो माइनस पर कौन फंक्शन यूज हुआ है, ध्यान से देखिए, जीरो माइनस मतलब जीरो से कुछ छोटा है, जीरो से कुछ छोटा है तो यहाँ है, क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एक्स बाय मॉड एक्स। मॉड को हटाने के लिए क्या बताए थे, एल एच एल में हो तो निगेटिव लेते हैं, लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एक्स बाय माइनस एक्स, कट के क्या आ जाएगा आपका, माइनस वन, तो एल एच एल आपका क्या निकला, माइनस वन। ये ध्यान रखना कभी अनफिनिटिव नहीं लेंगे, यदि मान रखना नीचे में जीरो पड़ रहा है तो फंक्शन क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जीरो को ख़त्म करेंगे, वो बताएंगे आगे कैसे होगा, अभी फ़िलहाल जैसे निकल रहा है ऐसे आसानी से आप लोग निकालते चलिए। अब क्या लेना आपको, आर एच एल लेना है, लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर क्या होगा आपका, लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस एफ एक्स, मतलब जीरो प्लस पर कौन है, देखिए जीरो से बड़ा होना चाहिए,
ग्रेटर देन यहाँ है माइनस वन, आपका डायरेक्ट मिल रहा है माइनस वन, तो यहाँ तक तो इक्वल है था। अब आप क्या कीजिए, लिमिट भी निकाल लीजिए। तो लिमिट एक्स डैश टू जीरो एफ एक्स जीरो के, ये देखिए नीचे में जो सिंगल लाइन रहता है किसका है, इक्वल टू का है, किसका है इक्वल टू, उसी को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस वन, तो आपका माइनस वन आ गया। तो एल एल एच एल आर एच एल लिख पे करते हैं, एक ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एफ एक्स एक्स डैश टू ए, नीचे हम क्या लिखते हैं तब, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स डैश टू जीरो। यही प्रोसेस है इसका निकालने का, तो आप लोग वैसे करके निकाल सकते हैं। ध्यान ये देना मॉड में एल एच एल लेंगे तब निगेटिव, और ये भी ध्यान रखना मॉड में यदि कोई निगेटिव मान हम रख रहे हैं तो उसका मान क्या आता है ऑटोमेटिक पॉजिटिव आता है, लेकिन एल एच एल जब भी निकालेंगे तो उसका क्या रखना है आपको, निगेटिव मान ही रखेंगे। क्यों, माइनस में जा रहे हैं हम, किधर जा रहे हैं उल्टा साइड जा रहे हैं, इसलिए हम निगेटिव ले कर चलते हैं। ये आपका सेवनटीन, अब आपका ये क्वेश्चन जैसे फाइंड बोल रहा है ए एंड बी फाइंड करने, एफ एक्स इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस वन है बी एक्स प्लस थ्री है, इतना कंटिन्यूस किस, ये कंटिन्यूस दे चुका ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है एल एच एल आर एच एल और लिमिट निकाल के तीनों को बराबर करना है। तो क्या लिखेंगे, एल एच एल लिमिट एक्स डैश टू थ्री माइनस एफ एक्स, आप तो पहचानने के लिए सीख चुके हैं, तीन से छोटा पर देखिए ये फंक्शन यूज हुआ और बराबर पर भी ये, लेकिन बराबर कौन फंक्शन यूज हो रहा है ये, तो इसको यूज करेंगे यहाँ, इसको यूज करेंगे यहाँ, लिमिट एक्स डैश टू थ्री माइनस ए एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पर क्या यूज करना है थ्री, माइनस यूज नहीं करती है सिर्फ डायरेक्शन है, आपका क्या निकल चुका है थ्री ए प्लस वन। उसी तरह आप क्या निकालेंगे, आर एच एल लिमिट एक्स डैश टू थ्री प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स डैश टू थ्री प्लस एफ एक्स का मान क्या है आपका थ्री प्लस पर देखिए ये है, तो बी एक्स प्लस थ्री है, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स डैश टू थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री, तो आपका क्या हो जाएगा थ्री बी प्लस थ्री, आप या क्या करेंगे सिर्फ लिमिट एक्स डैश टू थ्री पर एफ एक्स, तो यह आपका क्या निकलेगा, लिमिट एक्स डैश टू थ्री एफ एक्स है कितना ए एक्स प्लस वन है, तो ये भी आपका क्या आ चुका है थ्री ए प्लस वन, चूँकि फंक्शन दिया हुआ क्या ऑलरेडी संतत है, तो आप क्या कर सकते हैं तीनों को बराबर कर सकते हैं, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ थ्री भी लिख सकते हैं, इसका मान क्या आपका थ्री ए प्लस वन है, इसका है थ्री बी प्लस वन है, इसका क्या है थ्री ए प्लस वन है, कोई दोनों को बराबर कीजिए, ये दोनों को बराबर ही कीजिए तो क्या होगा थ्री ए प्लस वन इक्वल टू थ्री बी प्लस वन, ए बी को दोनों को एक साइड कीजिए और वन को उस साइड कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी थ्री कॉमन तो बराबर जीरो, तो ए माइनस बी का मान क्या आ चुका आपका जीरो, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यहाँ तक निकाल लीजिए, यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, दोनों में से कहीं भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, इसमें पूछा गया जीरो पर संतत है या नहीं है, मतलब संतत है जीरो पर लेमडा कौन सा मान रखेंगे जो कि जीरो पर संतत हो जाए, ये क्वेश्चन है आपका कहना चाह रही है, तब क्या कीजिए एल एच एल लीजिए, लेना सब में वही है लैंग्वेज, इतना तक मैं आप लोग सीख चुके होंगे, क्या करना है लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एफ एक्स जीरो माइनस पर जो एफ एक्स लेंगे वो क्या होगा आपका, कौन यूज होगा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला यूज होगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, आप लेमडा का मान कुछ भी रखिए लेकिन अंदर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है जीरो दोनों जगह रख दें तो क्या हो जाएगा आपका मान जीरो ही हो जाएगा, अब आपका क्या है आर एच एल है, तो लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस
एफ एक्स इक्वल टू हो क्या जाएगा आपका लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस, जीरो प्लस पर कौन सा यूज हो रहा है ये फोर एक्स प्लस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जीरो प्लस वन तो मतलब वन हो जाएगा। यहीं आपको क्या दिख गया एल एच एल इक्वल टू नॉट आर एच एल, नीचे हम क्या लिख देंगे देन, अतः एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब लेमडा के किसी भी मान पर ये क्या होगा ये फंक्शन संतत नहीं होगा जीरो पर, लेकिन वन पर ध्यान से देखिए वन जहाँ भी यूज करेंगे हम कहाँ यून वन कहाँ यूज करेंगे वन पर यदि पूछा जाएगा तब एक्स डैश टू वन के लिए एल एच एस यूज करेंगे तो क्या होगा आपका लिमिट एक्स डैश टू वन माइनस एफ एक्स, वन से कितना छोटा लेंगे जीरो से छोटा नहीं जाएगा जीरो से बड़े पर नहीं यूज करेंगे, यहाँ देखिए जीरो से बड़ा ये है तो मतलब वन यही नहीं यूज होगा, लिमिट एक्स डैश टू वन माइनस एफ एक्स का मान क्या है फोर एक्स प्लस वन है आपका, ये क्या हो जाएगा फोर इंटू वन प्लस वन तो मतलब फाइव हो जाएगा। इसी से निकालिए एल एच एल आर एच एल लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट एक्स डैश टू वन प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या लिमिट एक्स डैश टू वन प्लस एफ एक्स का मान यहाँ भी क्या यूज होगा फोर एक्स प्लस वन, यहाँ वन नहीं दिया हुआ है ध्यान से देखिए जीरो दिया हुआ है मतलब जीरो से हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा, तो वन से थोड़ा सा ना घटाते हैं जीरो मतलब क्या हल्का घटाना है तो क्या होगा पी भी होगा फाइव आपका। इसी तरह लिमिट भी निकालेंगे तो यही पर यूज होगा क्या होगा तीनों तीनों आपका बराबर हो जाएगा लेमडा, यहाँ क्या लिखेंगे नीचे देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, वन पर लेमडा किसी भी मान के लिए संतत है लेकिन जीरो पर लेमडा कोई भी मान के लिए संतत नहीं है, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस बड़ी ब्रैकेट में एक्स है, बड़ी ब्रैकेट का रूल आपको पता है एल एच एल में क्या लेते हैं नेगेटिव लेंगे आर एच एल और लिमिट में पॉजिटिव लेंगे, तो ये आपका ध्यान रख यहाँ क्या रखना है पहले तो आप एल एच एल लीजिए एक्स डैश टू क्या लेना है जीरो नहीं लीजिए वो ए लीजिए कोई भी पॉइंट लीजिए, ए का मान हम कुछ भी रख सकते हैं बाद में, क्या लीजिए एल एच एल लीजिए लिमिट एक्स डैश टू ए माइनस, यहाँ जी एक्स है तो जी एक्स लिखेंगे एफ एक्स नहीं लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा आपका लिमिट एक्स डैश टू ए माइनस है क्या एक्स माइनस ई एक्स है माइनस में वो एक्स टूट के क्या हो जाएगा आपका लिमिट एक्स डैश टू ए माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स तो मतलब टू एक्स हो जाएगा, यहाँ आपको एच माइनस पर भी केसनम बनाया हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं देना, ये सबसे आसान और बेस्ट प्रॉपर्टीज है इसी पर बनाइए आप लोग ए टू जेड क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका टू एक्स हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ चुका है टू ए आ चुका है एल एच एल, आप आर एच एल निकालिए लिमिट एक्स डैश टू ए प्लस एफ एक्स नहीं है जी एक्स दिया हुआ है तो जी एक्स ही यूज करेंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा लिमिट एक्स डैश टू ए प्लस जी एक्स का मान क्या है एक्स माइनस ये एक्स दिया हुआ है तो इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा नेगेटिव ही रहेगा तो एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, तो यहीं आपका क्या आ चुका है जीरो आ चुका है, तो एल एच एल इक्वल टू नोट आर एच एल तो क्या लिख देंगे डेन एफ एक्स इज नोट कंटिन्यूअस या एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, तो बराबर नहीं आया तो क्या होगा वह संतत होगा, बराबर आ जाता यही तब लिमिट निकालते, लिमिट निकालने के बाद तब क्या लिखते संतत है यदि तीनों बराबर आ जाए तब, इसमें ये ध्यान दीजिए यदि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल भी आ गया लेकिन इक्वल टू नॉट लिमिट है तब भी फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस ही होगा मतलब संतत नहीं होगा, ये सब ध्यान रखना। अब कुछ त्रिकोणमिति वाला है जिसको कि ट्रिक के साथ हल करना है उसको देखिए, उसमें ज़्यादा संभावना क्या रहता है अनडिफाइन होने का व परिभाषित होने का, तो उससे कैसे बचेंगे, जैसे आपका लिमिट दे दिया जीरो पर ही ध्यान
फंक्शन व संतत कब होता है, जब नीचे जीरो होगा, तो मतलब एक्स डैश टू जीरो दे दिया, नीचे आप ऊपर दे दिया साइन एक्स बाय एक्स, जितना ऊपर मान है उतना नीचे है, तो इसका मान एक्स डैश टू जीरो पर डायरेक्ट क्या होता है, वन होता है, चाहे एल एच हो, आर एच एल हो या लिमिट हो, कुछ भी हो, ध्यान नहीं रखना, नीचे ऊपर एंगल बराबर है, एक्स डैश टू जीरो है तो क्या मान होगा उसका, वन होगा। या इसी तरह आपको दे देगा लिमिट एक्स डैश टू जीरो, मानिए टेन दे दिया, टेन थ्री एक्स बाय नीचे में एक्स दे दिया, तभी देखिए बराबर नहीं है, तभी इसको हम बराबर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, थ्री से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका क्या हो चुका है लिमिट एक्स डैश टू जीरो थ्री टेन थ्री एक्स बाय थ्री एक्स, आप देखिए ध्यान से बराबर हो चुका है, कितना को मान क्या होगा वन होगा, थ्री मल्टीप्लाई वन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा वन। त्रिकोणमिति का छः में ये रूल है, नीचे ऊपर एंगल बराबर है तो उसका मान क्या हो जाएगा लिमिट एक्स डैश टू जीरो पर वन हो जाएगा डायरेक्ट। अब त्रिकोणमिति का कोई भी मान दे दिया, उसको आपको पूछेगा संतत है या नहीं है, तो उसको संतत साबित करने बोलेगा, ये आपका संतत है इसको साबित करने बोलेगा, तो क्या करेंगे, कोई भी अचर बिंदु ले लेंगे, कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, मानिए एक्स डैश टू क्या ले लिए आप, के ही ले लिए, तो लिमिट एक्स डैश टू के एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा इधर, लिमिट एक्स डैश टू के साइन एक्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए एक्स का मान क्या रखेंगे आप, के प्लस एच रखिए, एक्स डैश टू क्या रखना है आपको, के प्लस एच रखना है, तो एक्स का मान आपको क्या पता है जीरो है, एक्स का मान क्या दिया रहेगा जीरो दिया रहेगा, एक्स का मान आपका क्या है अभी जीरो है, एक्स का मान यदि आपका जीरो दिया हुआ है तो एच का मान क्या होगा, एक्स का मान जीरो है तो एच का मान क्या होगा आपका, एक्स डैश टू क्या है सी के प्लस एच है, एक्स का मान ध्यान से देखिए एक्स डैश टू क्या दिया हुआ था, के दिया हुआ है ना, क्वेश्चन था के, एक्स का मान यदि के है ये बराबर है तो एच कहाँ जाएगा जीरो की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा जीरो की तरफ जाएगा, ये ध्यान से रखना है, एक्स डैश टू के पर दिया हुआ है आपको, एक्स डैश टू के है तो एक्स का मान यदि हम माने हैं के प्लस एच, तो एक्स का मान यदि के है तो एच का मान क्या होगा आपका जीरो होगा, लगाइए लिमिट लिमिट एक्स डैश टू के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू क्या होगा इस साइड लिमिट एक्स डैश टू के साइन एक्स है, एक्स को आप क्या माने हैं के प्लस एच तो रख दीजिए, लिमिट एच डैश टू जीरो, फंक्शन चेंज होगा तो एच का मान क्या हो चुका है जीरो, साइन क्या रखेंगे के प्लस एच रखेंगे। अब आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला पता है, तोड़ दीजिए उस पर, क्या हो जाएगा लिमिट एच डैश टू जीरो साइन के कॉस एच प्लस कॉस के साइन एच, यही फार्मूला है, तो साइन एच डैश टू जीरो आपका फार्मूला है क्या, साइन के कॉस एच प्लस कॉस के साइन एच, एच का मान जीरो रखिए, यहाँ देखिए कॉस जीरो का मान वन होता है, ये ध्यान रखना कॉस जीरो डिग्री का मान वन होता है लेकिन साइन जीरो डिग्री का मान जीरो होता है। अब क्या कर सकते हैं लिमिट एच डैश टू जीरो, यहाँ आपका साइन के बचा प्लस जीरो बचा, तो आपका आंसर क्या आ चुका है लिमिट साइन के, मतलब ये ध्यान देना यदि फंक्शन हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल आप आसानी से क्या कर सकते हैं बदल सकते हैं। जैसे देखिए लिमिट आपको दे दिया लिमिट एक्स डैश टू सी कॉस एक्स ही दे दिया, तो आप इसको जब मन तब क्या लिख सकते हैं कॉस सी, आप बदल सकते हैं एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसमें और क्या करना है वो चीज़ देखिए, दो फंक्शन का इसमें और ध्यान रखना है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का, जैसे साइन एक्स कंटिन्यूस है कॉस एक्स कंटिन्यूस, ये दोनों को जोड़ भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का गुणनफल भी कंटिन्यूस होगा, टेन एक्स आपको पता है कंटिन्यूस है, तो ये क्या है डिवाइड भी कंटिन्यूस फंक्शन का भाग भी क्या होता है
कंटिन्यूअस ही होता है, ये सब भी ध्यान रखना है। यदि आप साइन एक्स और ऐसा पूछा जाए साइन एक्स और कॉस एक्स को अलग अलग दिखाइए, उसके बाद क्या लिख देना है, दो संतत फलनों का योगफल या गुणनफल या भागफल क्या होता है, सभी संतत होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है, ये मानिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स 24 नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब एल एच एल और आर एच एल पे फंक्शन यूज होगा, लेकिन लिमिट पर सिर्फ कौन होगा, इक्वल टू सिर्फ यहाँ है तो ये यूज होगा, तो आप लीजिए एल एच एल लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एफ एक्स, जीरो माइनस मतलब क्या, जीरो के बराबर नहीं है तो ये ही यूज होगा, तो लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स। अब इसमें ध्यान क्या रखना, देखिए वन बाय एक्स यहाँ है तो इसको गुना किससे कीजिए, वन बाय एक्स से, तो ये नीचे गुना किया वन बाय एक्स से, तो गुना क्या करना पड़ेगा, वन बाय एक्स से, इसको इसको काट देंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा आपका, बराबर ही रहेगा। लाइट कट गया था, देखिए ये आपका क्वेश्चन है यहाँ तक, क्या लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस, क्वेश्चन आपका क्या एक्स स्क्वायर है साइन वन बाय एक्स, इसका एंगल क्या अभी तुरंत बताएं, एंगल नीचे बराबर करना है, तो वन बाय एक्स नीचे क्या कीजिए, भाग दे दीजिए, यदि भाग दे दिए तो क्या करना पड़ेगा, गुना भी वन बाय एक्स से कर दीजिए, काटेंगे तो बराबर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा करने से इसका मान आपको बताएं डायरेक्ट क्या होता है, जीरो होता है, एक एक कटेगा भी, इसको यदि हम काट दिए तो आपका क्या बचा क्वेश्चन में, लिमिट एक्स डैश टू जीरो माइनस पर एक्स है गुना वन है, तो आपका क्या बचेगा आंसर, लिमिट एक्स डैश टू जीरो एक्स, आंसर आपका क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है। अब इसी तरह आर एच एल को भी हल करेंगे, लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस एफ एक्स, फंक्शन क्या होगा आपका, लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स है, फंक्शन को यूज करिए, लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस उसी तरह करेंगे एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स है, तो वन बाय एक्स से भाग डिवाइड करेंगे तो वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे, वन वन कट जाएगा, एक एक एक्स काट दिए तो आपका बचा क्या, लिमिट एक्स डैश टू जीरो प्लस एक्स मल्टीप्लाई वन, इसका मान आपको पता ऑलरेडी क्या होता है, वन होता है, तो आपका यहाँ भी मान क्या आ चुका है, जीरो। अब आपको लिमिट निकालना है, तो लिमिट एक्स डैश टू जीरो एफ एक्स, इस पर आपका मान जीरो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपका एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू नॉट इक्वल टू ही है लिमिट एक्स डैश टू ए, तो क्या लिख देंगे, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट क्या, जीरो। ये लेकिन ध्यान देना, जितना एंगल है उससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको क्या करना, अपरिभाषित होने से बचा लेना हर हाल में। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ध्यान से, मान रखेंगे डायरेक्ट तो क्या होगा, के कॉस एक्स है बाय पाई माइनस टू एक्स, एक्स का मान रखने क्या बोल रहा है, पाई बाय टू रखने बोल रहा है, तो पाई बाय टू रखेंगे तो नीचे देखिए ध्यान से, पाई माइनस टू इंटू पाई बाय टू, टू टू कटेगा, पाई में नीचे जीरो आ रहा है, मतलब इसको ऐसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, मानना है, क्या मानेंगे उसको देखिए, एक्स को किस में रिप्लेस कीजिए, एक्स बराबर पाई बाय टू प्लस एच में रिप्लेस कीजिए, क्या कीजिए, एक्स बाय एक्स को रिप्लेस कीजिए पाई बाय टू प्लस एच में, तो एक्स का मान आपको क्या दिया हुआ है, लेट कर लीजिए, एक्स इक्वल टू पाई बाय टू दिया हुआ है, तो एच का मान क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, तो लिमिट लगाइए, एल एच एल लगाते हैं, लिमिट एक्स डैश टू पहले पाई बाय टू माइनस लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, के कॉस एक्स बाय पाई माइनस टू एक्स, रिप्लेस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, लिमिट एच डैश टू जीरो के कॉस पाई बाय टू प्लस एच बाय क्या होगा, पाई माइनस टू पाई बाय टू प्लस एच होगा, तो लिमिट एच डैश टू जीरो आपको ये पता है, ये फार्मूला को भी ध्यान रखना, कॉस पाई बाय टू प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
साइन एच हो जाएगा, तो ये सब ध्यान रखना है, चेंज होता है तो यहाँ क्या होगा के साइन एच बाय नीचे में क्या होगा पाए माइनस टू इंटू पाए बाय टू माइनस एच, टू टू कटेगा पाए पाए भी कटेगा, जीरो हो जाएगा, एच का क्या बचा लिमिट। या आप ऐसे भी कर सकते हैं एल एच एल ले रहे हैं तो क्या ले लीजिए निगेटिव ले लीजिए, आर एच एल ले रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिए, अलग अलग भी ले सकते हैं आप, पॉजिटिव से भी काम चला सकते हैं आपको, जैसे करना है कीजिए, निगेटिव ही लीजिए, ये ध्यान रखना है। एल एच एल में क्या करना है निगेटिव ले लेना है, निगेटिव लेंगे तो यहाँ क्या होगा पाई बाय टू माइनस एक्स फिर भी यही होगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका लिमिट के साइन एच बाय क्या है एच है, इसका मान आपको पता है क्या होता है एच डैश टू जीरो पर वन होता है, तो इसका मान के क्या निकल चुका है आपका के निकल चुका है। आर एच एल भी सेम प्रोसेस से लेकर चलेंगे, इसमें भी क्या मानना है आपको, माना हुआ तो है ही पाई बाय टू प्लस एच माइनस ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, उसमें कोई पाबंदी आपका नहीं लगा हुआ है, कुछ भी ले सकते हैं कुछ भी, क्या हो जाएगा आपका लिमिट एक्स डैश टू जीरो के कॉस एक्स बाय पाए माइनस टू एक्स, चेंज करने के बाद क्या होता है लिमिट एच डैश टू जीरो के कॉस पाए बाय टू प्लस एच बाय क्या होगा पाए माइनस टू एक्स, टू एक्स की जगह पर क्या रखेंगे पाए बाय टू प्लस एच, तब का हो जाएगा लिमिट एक्स डैश टू जीरो के साइन एच बाय पाए माइनस टू पाए बाय टू माइनस एच, टू टू कटेगा ये जीरो हो गया, तब का आंसर क्या बचा लिमिट एक्स डैश टू जीरो के साइन एच बाय एच, यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो क्या होगा यहाँ तब पॉजिटिव होगा, दोनों जगह समान लेना है, इसका मान आपका फिर क्या पता है वन होता है, तो यहाँ भी से भी आपका क्या आ चुका है के आ चुका है। अब लिमिट ध्यान से इसी तरह लिख के लिमिट में तो आप डायरेक्ट पाई बाय टू पर क्या दिया हुआ है थ्री, के का मान आपका क्या निकल जाएगा थ्री निकल जाएगा, ये आपका वी वी आई क्वेश्चन भी है 2021 के एग्जाम के लिए, तो इसको अच्छा से आप लोग कर सकते हैं कम्प्लीट, प्रोसेस यही है, पाँच नंबर में पूछा जाता है या दो नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को बनाने से बनाने के लिए सब कुछ सीख लेना, सब क्वेश्चन को ट्राई का यही याद रखना है, जितना ऊपर वो नीचे आ गया और जीरो पर बोल रहा है तो उसका मान क्या होता है डायरेक्ट वन होता है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन एफ एक्स दिया हुआ है, आपका बोल रहा है के का मान फाइंड करना, एफ एक्स पाई पर क्या है कंटिन्यूस है संतत है, लेना क्या आपको कुछ नहीं करना, एल एच एल लीजिए लिमिट एक्स डैश टू पाई माइनस एफ एक्स डायरेक्ट लगाइए, यहाँ अनडिफाइन होने का कोई संभावना नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो अनडिफाइन हो ही नहीं सकता है, लिमिट के एक्स प्लस वन छोटा और बराबर पर देखिए ये है इक्वल टू और लेस देन पर, तो एक्स डैश टू क्या है पाए माइनस है, लगा देंगे तो क्या होगा पाए एक्स प्लस वन हो जाएगा, के एक्स है क्या है के एक्स, तो के पाए प्लस वन होगा, आप आ रहे चल लीजिए लिमिट एक्स डैश टू पाए प्लस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट एक्स डैश टू पाए प्लस पर देखिए क्या है कॉस एक्स है क्या है कॉस एक्स, कॉस पाए का मान आपको पता है क्या होता है कॉस पाए का मान कॉस जीरो डिग्री का मान वन होता है, तो जीरो क्या लिख सकते हैं 180 माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, या चेक कर लीजिए देखिए पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, चेक कर लीजिए कॉस क्या लिख सकते हैं इसको हम 180 डिग्री माइनस जीरो, 180 किस क्वाड्रेंट में जाता है इसको ध्यान रखना, त्रिकोणमिति वाला हम बताए हुए हैं, ये 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है साइन का है, तो ये क्या होता है निगेटिव होगा, यहाँ क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा, एल एच एल आर एच एल निकल गया, अब लिमिट भी निकाल लीजिए लिमिट एक्स डैश टू पाई एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा लिमिट एक्स डैश टू पाई एफ एक्स पर क्या है इक्वल टू पर के एक्स प्लस वन है, तो आपका क्या आ गया
के पाई प्लस वन, तो क्या लिखेंगे, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई। सबका मान क्या है आपका, के पाई प्लस वन इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू के पाई प्लस वन, ये दोनों को यूज कीजिए, के पाई इक्वल टू क्या होगा माइनस वन माइनस वन, तो के पाई इक्वल टू माइनस टू, तो पाई के इक्वल टू क्या होगा माइनस टू बाय पाई लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब ये भी ध्यान रखना, बता चुके हैं कोई भी दो फंक्शन का योग हो, गुना हो, या उस संतत फलन का योग गुना या भागफल जो भी होगा घटाव होगा, सबका फल क्या होता है संतत ही होता है, या योग कुछ भी हो, तो उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये आपका 31 है, ये आपका 32। इसको ध्यान से देखिए, एफएक्स बराबर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर, एक को हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मानिए सी मानिए कुछ भी, दूसरा फंक्शन क्या आपका एक्स स्क्वायर है, तो आपको बारी बारी से दोनों क्या दिखाना है संतत है, तो क्या लिख देंगे नीचे में, एफएक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज संतत। तो यहाँ देखिए मॉड को अलग दिखाना है और कॉस एक्स को अलग दिखाना है, तो क्या होगा ये इसी तरह से दिखा सकते हैं आप। तो आपका लिमिट यहाँ आपका समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रेंसिबिलिटी, मतलब आप कलन कैसे करेंगे, तो लिमिट को याद रखना, ये आपका एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है, तो पूरा पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुका है। अब एनसीईआरटी के सिन्हा जिससे भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा डॉट होगा उस सबको आप कमेंट मैसेज कर सकते हैं, उस सबका सॉल्यूशन हम बना के डाल देंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।